सना साहिबा, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, पर आप एक चीज देखिए, पिछले एक साल में 987 गाइडलाइन सेंट्रल ने निकाली, और कब निकाली, जब 1897 का जो एपिडेमिक एक्ट था उसके ऊपर नया कानून बना डाला, उससे राज्यों की शक्तियां यूं भी कम हो जाती हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जैसे ही सरकार पर जवाबदेही आई तो लोगों की जिम्मेदारी हो गई, राज्यों की जिम्मेदारी हो गई, और जब दावोस में एक अपने आप को ढोल पीटना था तो उस समय कह दिया हम विक्टोरियस हैं, वी आर ट्रायम्फ। उसके बाद बीजेपी ने भी 15 फरवरी को एक के आसपास एक रिजोल्यूशन निकाल दिया कि हम जीत गए। ये सरकार इतनी मेगलोमेनियक है, इतनी अहंकारी है कि इसके समझ में नहीं आता। आज रोहित सरदाना जैसे एक पत्रकार गए हैं, नाम लूंगी, उसका कारण यह है विचार भले ना मिलते हो लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना। अब वो 45 साल के नहीं थे, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा तो वो चले गए, अगर वैक्सीनेशन लगा होता तो आज हमारे बीच होते। दूसरी चीज, आज ही सुबह की बात है, मेरी अपनी मदर इन लॉ को मैं लेकर कल रजिस्ट्रेशन कराया और मैं सेकेंड डोज वैक्सीनेशन की लगाने पहुंची, वहां पता चला कि वैक्सीन है ही नहीं। तो जब वैक्सीन है ही नहीं और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतने अच्छे से चेतावनी दी थी, तब वही जो हमारे आज के नाकारा हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उठपटांग एक उनको जवाब दिया था, बिल्कुल सम्मान रहित जवाब था वो, शर्म आनी चाहिए इनकी सरकार को। तो जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं उसका ढिंढोरा कैसे पीट सकते हो? इस सरकार का साइंटिफिक टेंपर होना चाहिए, साइंटिफिक टेंपर नहीं है। हार्वर्ड और हार्वर्ड की हार्डवर्क की कहानी सुनाते हैं, अगर ये सरकार इस तरह से सोचेगी तो कैसे होगा? आज ही इसीलिए तुषार मेहता जी को ये लताड़ लगाई गई है सरकार की तरफ से जो खड़े थे कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना चाहिए। राष्ट्रीय योजना की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन राष्ट्रीय योजना अभी तक नहीं दिया, सारे प्रमाण है उसके बाद कोई कैसे इतना उसकी सेल्फ एस्टीम नहीं है कि उसके बाद अपने लोगों को बचाने की कोशिश करे। केंद्र सरकार की कहानी यह है कि इनसे जिम्मेदारी एक भी नहीं संभलती, इनके अंदर किसी चीज को इंप्लीमेंट करने का ना तो मादा है और ना समझ है, और जो एक्सपर्ट है उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं और अपनी वही ढपली का एक ही पुराना राग जो है वो अलापते जाते हैं। ये शर्म की बात है और केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और इस देश की जनता ने तो निर्णय कर ही लिया है, आगे चल के वो भी दिखेगा। जिस जनता पे ये बार बार आरोप लगा रहे हैं वही लोकतंत्र इनको बताएगा। ठीक है, प्रिया सेठी साहिबा, आपने कुछ